समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और जिला जनकल्याण महासमिति के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। इसमें छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। बताते चले कि विश्वविद्यालय द्वारा महासमिति से 2 MOU पर साझाकरण हुआ है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफ बायोमेडिकल साइंस विभाग से हुए इस करार में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को संस्था के अनुभवों और कार्यकलापों से सीखने को मिलेगा। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर महासमिति द्वारा अनवरत रूप से नगर कस्बों और गांव में काम किया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय के छात्र भी महासमिति से जुड़कर इस दिशा में व्यवहारिक जानकारियों और लोगों को व्यवहारगत बदलावों को समझेंगे। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे और महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने इस MOU से सकारात्मक परिणामों को धरातल पर उतारने की अभिलाषा व्यक्त की है। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन अपने सहयोगियों के साथ जमीनी स्तर पर जल संचयन, पॉलीथीन दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में कारण और निवारण विधि पर आमजन के बीच पहुंचती है। इससे उन्हें परंपरागत और नवीन शैलियों का प्रयोग कर समझाती है। विद्यार्थियों के बीच इन अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए प्रभावी ढंग से उत्प्रेरित करने का काम करेगी। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर उन्मुखीकरण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी से हुए MOU सिग्नेचर को एक अवसर मानते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना 100% योगदान देने का भरोसा जताया है। इस मौके पर प्रोफेसर सुनील काविया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर बलवीर सिंह, कोऑर्डिनेटर बायोमेडिकल साइंस डॉक्टर अनुपम व्यास, डॉक्टर मुन्ना तिवारी, डॉक्टर डीके भट्ट, डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर विज्ञान सिंह लेक्चरर उपस्थित रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। शिक्षण के लिए कार्य करती है तो आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जिला जनकल्याण समिति के साथ MOU किया गया है कि उनकी जो सोसाइटी के लिए जो कार्य कर रहे हैं और उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी बायोमेडिकल साइंस है, पर्यावरण विभाग है, ऐसे कई अन्य विभाग हैं जो कि इस प्रकार के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ के जो प्रमोटर हैं या जो वहाँ के CEO थे उनसे चर्चा हुई तो आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और वो समिति NGO के साथ एक हम लोग सामूहिक जन भागीदारी के तहत झांसी क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे कि लोगों को स्वच्छता के लिए, अपने शहर को साफ रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, हम कार्बन एमिशन को कैसे रोक सकते हैं, इन सभी के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या फायदा होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो पाठ्यक्रम भी हैं वो पाठ्यक्रमों में एक आउटरीच और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स रखे हुए हैं कि छात्र समाज के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण की जो सुरक्षा का मामला है, पर्यावरण संरक्षण का है, ये छात्रों का हो या एक आम जनता को या विश्वविद्यालय का या NGO का हो, ये हम सभी को मिलकर एक सामूहिक प्रयास इस दिशा में किए जाना है। सर, जिला जल कल्याण महासमिति को क्यों चुना गया? जिला जल कल्याण इसी की समिति के लिए, हम उनके एक दो कार्यक्रम में भी गए और ये देखा कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई इस प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और उनका कुछ प्रकृति प्रेमी एक जो अभियान है, जो आयाम है, वो आयाम काफ़ी वर्षों से चल रहा है और वो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो NGO इस प्रकार के कार्य करते हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उनके साथ भी MOU करके कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य जागरूकता है और स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण।